cylindrical bucket 32 centimeter high and the radius of the base is 18 centimeter. तो देखिए आपके सामने एक cylindrical bucket है, तो जो cylindrical bucket है उसको बना लेते हैं हम. cylindrical bucket हमने चलो ऐसे बना लिए, कुछ cylindrical bucket हो गई आपकी जिसकी height जो है वो 32 सेंटीमीटर है. ये आपकी 32 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई भाई, और रेडियस 18 है. रेडियस ऑफ द बेस इज 18. तो बेस या फिर टॉप कह लो, बात तो एक ही है. अगर आपकी मर्जी बेस में करने की तो बेस में कर दो, मान लेवल ये 18 सेंटीमीटर है. ठीक है, इस फील्ड विद सैंड, इसमें मिट्टी भर रखी है भाई, इसमें जो है मिट्टी भर रखी है. और मिट्टी देखो, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो समझ लो ऊपर तक भर रखी है. ठीक है, अगर उसने कुछ बताया था अप टू हाफ, अगर आधी बताई होती तो उसका भी एक इंफॉर्मेशन हो जाती, वो भी बाय टू करना पड़ता हाइट को. पर यहां पर अगर कुछ नहीं बोला तो समझ लो पूरी भर रखी है. इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड. तो ये आप जब इसको जमीन पर उल्टा करेंगे तो जो शेप बनेगी, मतलब जैसे रेत गिरता है, ऐसे ऐसे रेत गिरता है, तो जब रेत गिरेगा जमीन पे वो एक कॉनिकल शेप बनाएगा. और इसने इनफैक्ट कॉनिकल बता रखा है, कई बार अगर ना भी बताए ना तो आपको समझ लेना चाहिए कि कॉनिकल शेप ही बनती है रेत से. रेत को अगर आप जमीन पे गिराएंगे तो वो कॉनिकल शेप जैसी लेनी शुरू कर देगा. तो ये इस तरह का एक कोन बनेगा आपका. ठीक है, कुछ इस तरह से कोन बन जाएगा आपका. पीछे की लाइन को डॉट डॉट करके दिखाते हैं हमेशा, ऐसे आपका एक कोन बन जाएगा. और उस कोन की भी उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है. क्या दी है इंफॉर्मेशन इसने, द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर. जो हाइट बन रही है उसकी वो 24 सेंटीमीटर की बन रही है. फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट. यानी कि आपको एक तो पता करना ये रेडियस जो आपका कोन का बनेगा, और साथ साथ ये स्लांट हाइट भी पता करनी है. स्लांट हाइट हम पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. तो एक बात तो तय है कि जो सिलेंडर इसका जो वॉल्यूम होगा इसके बराबर होगा. ठीक है ना, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा आपका पाई आर स्क्वायर एच. तो आर आपका दे रखा 18, यानी कि 18 का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट यानी कि 32. और ये किसके बराबर होगा आपका कोन के वॉल्यूम के, जो कि होता है 1/3 पाई आर. आर पता नहीं और एच हमें पता है 24. ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे कुछ क्या करते हैं कि कोन का वॉल्यूम अलग से निकालने की कोशिश करते हैं और सिलेंडर का वॉल्यूम अलग से निकालते हैं, और उसमें इनफैक्ट वो पाई को यूज भी कर लेते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. देख सकते हो यहाँ पर जब बराबर करोगे ना कट जाता है. तो ध्यान रखना कभी भी इसको सिंप्लीफाई ऐसे मत करने बैठ जाना, टाइम बहुत लग जाएगा आपका. कि आप पहले जो है सिलेंडर का वॉल्यूम अलग से निकाल रहे हो, फिर उसको अलग से निकाल रहे हो, फिर आर स्क्वायर निकालने के लिए डिवाइड कर रहे हो, बड़ा लंबा जाएगा. पाई से पाई कट जाता है, बड़ी आसान हो जाती है कैलकुलेशन. फैक्टर्स में ही काम करेंगे, 18 इंटू 18 कीजिए, 32 कीजिए, और 1/3 है. इनफैक्ट 1/3 से आपका ये कट रहा है 24, तो यहाँ पर आप सिर्फ 8 छोड़ दीजिए, तो आर स्क्वायर इंटू 8. ठीक है, 4×8=32. ठीक है जी, तो 4×8=32, ये 4 हो गया. कितना बढ़िया हो गया ये भी देखिए, 18 का स्क्वायर है, आर स्क्वायर चाहिए और 4 है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर. तो सीधा आपका जो R है ना वो 18×2 मिल जाएगा आपको डायरेक्ट. ठीक है, और 18×2=36 होता है, तो 36 सेंटीमीटर. ये तो आपका निकल आया रेडियस. अब रेडियस तो आपका आ चुका है, तो एक आंसर तो आपका आ गया जो कि पूछा था. दूसरा चाहिए इसको क्या भला, इसको चाहिए स्लांट हाइट. अब स्लांट हाइट के लिए आपका देखो यहां पर लग सकती है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहां बनता है 90 डिग्री का एंगल. तो आपका जो 24 का स्क्वायर है और प्लस जो आर का स्क्वायर है वो एल स्क्वायर के बराबर होगा. इसमें आपको चाहिए एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर. इनफैक्ट आप जब इसमें से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां स्क्वायर रूट चला जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे कभी भी, क्योंकि लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेके देख लीजिए. पहले देखिए स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें हम, तो अगर इसमें देख सकते हैं 4 तो कॉमन आ ही रहा होगा आपका. देखिए इसमें क्या, 6×6=24, और कुछ हो सकता है तो 8 आ सकता है क्या, 8 देखो नहीं, 8 नहीं आ रहा, क्या आ सकता है देखो,
इसमें देखो 12 आ रहा है, बड़े ध्यान से देखो आप, 12 दूनी 24 और 12 तीय 36, तो 12 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर तो आएगा 12, तो 12 दूनी 24 तो 2 का स्क्वायर रह गया, यानी कि अंदर रह गया 4, और 12 तीय 36 तो 3 का स्क्वायर रह गया, यानी कि 9, तो यानी कि ये बन जाता आपका 12 और √13 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात चलिए, सेंटीमीटर में आंसर देंगे, दिस इज योर अनोदर आंसर, दैट विल बी योर स्लांट हाइट।